हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल इज वेल। तो देख लीजिए, एसएससी एमटीएस 2023 यानी 2023 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। ये आपको पता ही है, ऑनलाइन सबमिशन कैसे करना है। बहुत से मेरे स्टूडेंट हैं, बहुत से बच्चों ने कहा कि सर थोड़ा हमको एक आप प्रेजेंटेशन बना के दे दीजिए, मैं किस तरह भरना है, क्या डेमो है उसका, क्योंकि बच्चों को भरने में दिक्कत आ रही है। तो पूरा प्रोसीजर आप समझ लीजिएगा, वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिएगा। एक बार अगर आप ये प्रोसीजर समझ गए, प्रोसीजर फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन एसएससी एमटीएस 2023 का, तो आपको किसी कैफे में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल से अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप से भर सकते हैं, कंप्यूटर से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। 2 मिनट में आप अपना फॉर्म भर लेंगे। तो देख लीजिए, द प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट है। 2 पार्ट में ये होना है। पहला है वन टाइम रजिस्ट्रेशन और फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन। अब देख लीजिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो होना है, वो रजिस्ट्रेशन अगर आपने अब तक रजिस्ट्रेशन कर लिया है, यानी कि आपने 1 साल के अंदर अगर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, आप पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं एमटीएस 2022 में, तो आपको एमटीएस की कोई जरूरत रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको पहले ओटीआर करना होगा। संक्षेप में वन टाइम रजिस्ट्रेशन को हम ओटीआर बोलते हैं। इसके लिए आपको मोबाइल नंबर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ओटीपी भेजी जाएगी। एक ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए, इस पर भी ओटीपी भेजी जाएगी। आपके पास आधार नंबर हो, अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप कोई भी आईडी लगा सकते हैं। आधार नंबर की जगह आप वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल आईडी, कॉलेज आईडी, एम्प्लॉयर आईडी, अगर आप कहीं गवर्नमेंट पीएसयू प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, आप इम्प्लॉयड हैं, तो वहाँ की भी आईडी लगा सकते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, इंफॉर्मेशन अबाउट द बोर्ड, रोल नंबर एंड ईयर ऑफ पासिंग 10th एग्जामिनेशन। अगर आप डिसेबल फिजिकली डिसेबल हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है, इस तरह जाना है ssc.nic.in पे, ठीक है। इस पर रजिस्टर नाउ पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद लॉगिन सेक्शन में जाना है, ठीक है। और देखिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रिक्वायर्स फिलिंग अप फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इसमें आपका बेसिक डिटेल है, एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल है और डिक्लेरेशन है, ठीक है। डिक्लेरेशन मतलब जो भी आप इसमें अपनी सूचना देंगे, अपनी जानकारी देंगे, उसको डिक्लेयर भी करेंगे कि सत्य है, पूर्ण रूप से सत्य है, कोई इसमें आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। अब देख लीजिए, फॉर फिलिंग अप द वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्लीज फॉलो द फॉलोइंग स्टेप। ये कुछ स्टेप हैं ये आपको फॉलो करने हैं। आधार कार्ड नंबर, नेम, फादर्स नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ आर रिक्वायर्ड टू बी इंटर्ड ट्वाइस इन द रिलेवेंट कॉलम। अब इसमें मैं आपको भी ये दिखा रहा हूँ कि इनका जो वेब पेज खुल के आता है, जिस पेज पे आपको एंट्री करनी है ओटीआर के लिए, उस पे सब 2 बार लिखने हैं आपको। एक बार आधार नंबर लिखेंगे, फिर आधार नंबर आपको कन्फर्म करना है, अपना नाम लिखेंगे, फिर दूसरे में उसको भी कन्फर्म करना है, फादर नेम लिखेंगे उसको भी कन्फर्म करना है, मदर नेम भी कन्फर्म करना है, ठीक है। ये 2 बार इंटर किए जाएंगे, इसलिए कोई कन्फ्यूजन मत पालिएगा, ठीक है। उसी तरह अब जो आपका फादर नेम होगा, आपकी 10th की जो मार्कशीट होगी, देखिए बहुत से बच्चे गलती करते हैं, उसमें अगर स्पेलिंग मिस्टेक है, मान लीजिए आपके पिताजी का नाम है रामचरण और आपने उसमें लिख दिया राम कुमार या राम चरण की, चरण की जगह आपने कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, और जो आपकी हाई स्कूल से मैच नहीं खा रही है, तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। रिजेक्ट हो सकता है क्या? रिजेक्ट हो जाएगा। इसी तरह आपका मदर्स का नाम भी वही डालना है जो आपकी 10th की मार्कशीट में होगा, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ भी आपको वही डालनी है जो 10th की मार्कशीट में होगी, ठीक है। और मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एग्जामिनेशन डिटेल विच इंक्लूड नेम ऑफ एजुकेशन बोर्ड होता है उसमें, रोल नंबर होता है, ईयर ऑफ पासिंग होता है, जेंडर होगा आपका, फिर लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन हाईएस्ट। ये 10th लेवल पे एसएससी एमटीएस का होता है एग्जाम, लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हैं और आप इसमें फॉर्म भर रहे हैं तो आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएट डालनी है। आप बीटेक हैं तो बीटेक डालेंगे, आप 12th हैं 12th डालिए, बीएससी हैं तो बीएससी डालिए, ठीक है। आपके पास योर मोबाइल नंबर विच मस्ट बी वर्किंग मोबाइल नंबर होना चाहिए, ठीक है, अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए, और ईमेल आईडी आपकी होनी चाहिए, वर्किंग ईमेल आईडी होनी चाहिए। अगर ईमेल आईडी आपने नहीं बनाई तो ईमेल आईडी बना लीजिएगा आप अपनी। इसी तरह पूरा आपको भरना है, ठीक है। अब मैं आपको देखो दिखा देता हूँ किस तरह आपको भरना है, ठीक है, पूरा मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल आप लोग पूरा देख लीजिएगा। जो ओटीआर का आप खोलेंगे तो उसमें आपके आएगा डू यू हैव आधार या यस या नो। अगर यस हाँ आपके पास आधार है तो यस, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। अगर यस करेंगे आप तो यहाँ आधार नंबर आपको डालना पड़ेगा, अगर नो करेंगे तो आपको आधार नंबर नहीं डालना पड़ेगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूं कि जहां जहां रेड है यही वाले आपको लाइनें भरनी है, जहां जहां रेड है यही वाले ये आपको भरने हैं ब्रैकेट, और जहां रेड नहीं है
वहां पर आपको नहीं भरना है, ठीक है। देख लीजिए, अब आपने आधार नंबर अगर नो डाल दिया, अपना आधार नंबर आप नहीं दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं दूसरी आईडी लगाएं, तो आप सीधे टाइप आप आईडी आ जाइएगा। आप अगर ड्राइविंग लाइसेंस लगाना चाहते हैं, पासपोर्ट तो पासपोर्ट लगा दीजिए, अगर कॉलेज आईडी तो कॉलेज आईडी लगा दीजिए। आप जहाँ काम करते हैं, एम्प्लॉई हैं जहाँ की, वहाँ की आईडी लगे, एम्प्लॉई आईडी लगा सकते हैं। मान लीजिए बंदे ने ड्राइविंग लाइसेंस लगा दिया है, ठीक है, अब आईडी नंबर ये डाल दिया है, नेम डाल दिया सैंपल नेम, ठीक है, उसी तरह वेरीफाइड नेम करना है, ठीक है। देखिए दूसरी बार आपको वेरीफाइड नेम करना है, हैव यू एवर चेंज, आपसे पूछ रहा हैव यू एवर चेंज नेम, तो इसमें आप नो कर दीजिएगा। अगर चेंज नेम आपका हुआ है कभी भी तो आप यस कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए रेड पे आ जाइए, जहाँ जहाँ रेड स्टार बने बस उन्हीं कॉलम को आपको ध्यान देना है। फादर्स नेम, आपने फादर्स नेम डाल दिया, फिर वेरीफाई फादर नेम, तो आपने फादर नाम वही डाल दिया जो आपकी टेंथ मार्कशीट पर। फिर मदर का नाम है, वेरीफाई मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ आपने डाल दी 2/7/1997, 2 जुलाई 1998, उसी तरह वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ हो गई। मेट्रिकुलेशन टेंथ आप है, एजुकेशन बोर्ड CBSE से CBSE डाल दीजिए, फिर वेरीफाई एजुकेशन बोर्ड है, रोल नंबर आपने डाल दिया, ठीक है, फिर वेरीफाई रोल नंबर करना है आपको, ईयर आप पासिंग करनी है, वेरीफाई ईयर आप पासिंग करना है, जेंडर मेल है तो मेल डाल दीजिएगा, वेरीफाई जेंडर मेल मेल, अगर आप फीमेल है फीमेल डाल सकते, ट्रांसजेंडर भी है तो ट्रांसजेंडर भी डाल सकते हैं। लेवल ऑफ एजुकेशन, ग्रेजुएशन है आपके, हाईएस्ट लेवल डालना है आपको जो आपकी सबसे ऊंची पढ़ाई हुई है, ठीक है। मोबाइल नंबर आपने डाल दिया, ये एक डेमो मोबाइल नंबर वो डाल दिया, फिर उसको कंफर्म कर दिया। उसी तरह अपनी मेल आईडी इस तरह बनानी है आपको, ठीक है, जीमेल याहू किसी पे भी आप लोग बना सकते हैं, रेडी पेडी किसी पे भी बना सकते हैं। जीमेल आईडी, एक मेल आईडी आपके पास होनी चाहिए क्योंकि ओटीआर के लिए। अब परमानेंट एड्रेस आपने डाल दिया, दिल्ली स्टेट दिल्ली मांग रहा है, ठीक है, इसको आपको सेव कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। इसको जब आप सेव कर लेंगे, ठीक है, जब आप जैसे ही आपने सेव किया इसको, उसके बाद देखिए, उसके बाद आपके सामने ये खुल के आएगा, इसमें कैटेगरी जनरल है, अगर आप जनरल में तो जनरल, EWS OBC ST जो कैटेगरी में, आप SC तो SC डाल सकते हैं, ST तो ST डाल सकते हैं। वेरीफाई कैटेगरी कर ली आपने, मान लीजिए जनरल है तो जनरल डाल लिया, नेशनलिटी सिटी ऑफ इंडिया है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स डालना है, अगर आपके कोई दाग है कोई धब्बा है तो आप डाल सकते हैं, जलेगा कटेगा कोई भी है तो इन्होंने डाला है मोल ऑन राइट चेक, ठीक है, गाल पे इनको एक निशान है। आर यू पर्सन विद बेचर डिसेबिलिटी, अगर आप जुमार डिसेबिलिटी में नहीं आते हैं तो आप नो कर देंगे, अगर आते हैं तो यस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने यस किया इधर तो आपको पूरा डालना पड़ेगा, ब्लाइंडनेस है कि डीफ है, सुनने में प्रॉब्लम है क्या है, पैर में दिक्कत है क्या है, तो वो आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। अब देख लीजिए परमानेंट एड्रेस आपको डालना है, सैंपल परमानेंट एड्रेस लिख देना है, स्टेट लिख देना है, पंजाब के हैं पंजाब तो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट पटियाला पिन कोड है, जहाँ जिस क्षेत्र के आप हैं जिस शहर के वहाँ का पिन कोड होता है। अब इसमें पूछ रहा है इज परमानेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो यस कर दीजिए। प्रेजेंट एड्रेस सैंपल परमानेंट एड्रेस स्टेट यूटी पंजाब डिस्ट्रिक्ट पटियाला, ठीक है, इस तरह आपको बनना है, डेमो मैंने दिखाया था, ठीक है। अभी इसको आप सेव कर लेंगे, इसको जब आप सेव कर लेंगे तो आपके सामने एनेक्चर 3A खुल के आएगा, ठीक है। एनेक्चर 3A में ये देखिए आपसे डिक्लेरेशन पूछ रहा है, ये आपका आखिरी चरण है OTR का, OTR का आप इसमें एग्री कर देंगे और आपको प्रिंट लेना, प्रिंट फाइनल सबमिटन, फाइनल सबमिट आप जब कर देंगे, फाइनल सबमिट ये हो जाएगा, तो एक OTP आपके मेल आईडी पे जाएगी जो आपने मेल आईडी दी होगी, और दूसरी OTP आपके जाएगी मोबाइल नंबर पे, ठीक है। मतलब सेम OTP दोनों जगह जाएंगी, आप जहाँ शहर है वो OTP ले सकते हैं, सेम होती है। उसके बाद आप ऑनलाइन अप्लीकेशन में आएंगे, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए रिसेंट स्कैन कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए आपका, और इसका साइज देखेंगे JPEG फॉर्मेट होना चाहिए, केवल JPEG फॉर्मेट होगा, 20 KB से 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 20 KB से कम नहीं होना चाहिए। और जो फोटोग्राफ की आपकी चौड़ाई और लंबाई होगी वो देख लीजिए, 3.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होगी या 4.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट होगी, उसी तरह ये पूरा देख लीजिएगा। अब इसमें देखिए इन्होंने लिखा है एप्लीकेशन विद ब्लर्ड फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड, ब्लर्ड नहीं होना चाहिए, धुंधला नहीं होना चाहिए, ये कोड के आदेश हैं, बिल्कुल साफ होना चाहिए, ठीक है। और स्कैन सिग्नेचर जो आप करेंगे वो JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, 10 KB से कम नहीं होना चाहिए और 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इमेज की जो डायमेंशन है तो इमेज डायमेंशन शुड बी 4 सेंटीमीटर विड्थ होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। अप्लीकेशन विद ब्लड सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड, देखिए ब्लड तो कहीं भी स्वीकार है ही नहीं, कहीं भी एक्सेप्ट नहीं होंगे, धुंधला नहीं साफ सुथरा आपको करना है, ठीक है। अब जो आप डिटेल आप क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन लाइक पासिंग ईयर रोल नंबर परसेंटेज CGFA नेम एंड बोल्ड ETC, ठीक है, ये सब आपको लगना है। अब लॉग इन टू ऑनलाइन सिस्टम थ्रू योर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड, ठीक है। लॉग इन आप होंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा जब आप OTP भरेंगे, ठीक है, और पासवर्ड आप
आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब क्लिक अप्लाई लिंक पर जाएंगे आप, MTS नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार CBIC एग्जामिनेशन 2023 पे, ठीक है। यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन टैब पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हाउ यूर इफ यू वांट टू मॉडिफाई एनी ऑफ वन टाइम रजिस्ट्रेशन डिटेल, तो आप उसको मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कुछ बदलाव करना चाहते हैं आप, उसमें आपसे कुछ गलती हो गई है, तो आप उसको कर सकते हैं। इसके बाद आप नहीं कर पाएंगे तो आप उस पर जा सकते हैं, लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ योर डैशबोर्ड, ठीक है। अब सीरियल नंबर 15 जो है आपका, उसमें है गिव योर प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। उसके बाद सीरियल नंबर 16 है चूज द लैंग्वेज इन विच यू वांट टू टेक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। आप किस भाषा में एग्जामिनेशन देना चाहते हैं वो आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। और इफ यू आर ए सर्विस इन आर्म फोर्स आर एन एक्स सर्विस मैन, फिल अप द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये पूरा आपको भरना पड़ेगा अगर आप एक्स सर्विस मैन है। इस तरह पूरा आपके सामने है, आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और एक चीज और आप समझ लीजिएगा, अपलोड योर रिसेंट फोटोग्राफ विदाउट स्पेक्टलेस कैप, टोपी ओपी चश्मा उश्मा लगा के आपको कोई फोटो नहीं देना है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, सिंपल फोटो देना जिस तरह फोटो ऑफिशियली होते हैं। ब्लड सिग्नेचर भी आपके नहीं लिए जाएंगे, सिग्नेचर भी आपको जो बनाते हैं उसी तरह बनाइएगा, कायदे से स्कैन होना चाहिए। साइज लंबाई चौड़ाई मैं सब बता चुका हूँ, कितनी मेमोरी का होना चाहिए वो, ठीक है। पेमेंट आप भीम UPI से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, वीजा से करते हैं, मास्टर कार्ड, मास्टर रुपए, क्रेडिट और डेबिट कार्ड से, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, हमारी टीम बंदों का फॉर्म भी भरवा देती है ऑनलाइन, ठीक है। आपका फॉर्म भी भरवा दिया जाएगा, आपका पूरा प्रिंट आउट आपको भेज दिया जाएगा। अगर आपके पास कोई दिक्कत, आप चाहते हैं कि आपको दौड़ भाग ना करनी पड़े, तो इतना हम आपके लिए करवा सकते हैं। लेकिन कोशिश करिएगा खुद से, अगर हो रहा है तो एक बार आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये है आपके सामने, चैनल में पहली बार आए और आपको लगता है कि इस चैनल से जुड़ के आपका कोई फायदा हो सकता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरह जॉब और करियर से रिगार्डिंग खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।